Hi guys, this is your chef Vani here. Welcome back to my YouTube channel and today we are making Agartala's special chowmein. So let's get started. सबसे पहले हम एक बड़े बर्तन में पानी बॉईल कर लेंगे. आप देख सकते हैं ये पानी बॉईल हो रहा है. मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है. अब हम उबलते हुए पानी में ये चौमिन्स के दो पीस करके इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे तरह से बॉईल होने देंगे. अब हम नूडल्स को अच्छे से हिलाते हुए पकाएंगे. अब आप देख सकते हैं ये नूडल्स पक चुके हैं. हम इसको चेक कर लेंगे. ये देखिए ये अच्छे से टूट रहे हैं. तो ये रेडी हो चुके हैं. अब हम एक छन्नी लेके उसको हम इसमें छान लेंगे नूडल्स को. उसके बाद हम इसको दो से तीन पानी में ठंडे पानी में अच्छे से वॉश कर लेंगे नूडल्स को. ये देखिए ये छन चुके हैं. अब हम इनको ठंडे पानी से वॉश करेंगे दो से तीन बार. अब हमारे नूडल्स अच्छे से वॉश हो चुके हैं. अब हम इसको एक प्लेट में निकाल देंगे और इस पर हम थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे. अब मैंने गैस पे लोहे की कढ़ाई रखी है. मैंने नूडल्स के लिए लोहे की कढ़ाई ली है. इसमें नूडल्स अच्छे से बनते हैं. उसके अंदर मैंने एक चम्मच इसमें ऑयल स्प्रेड किया है. फिर इसमें मैं जिंजर ऐड कर रही हूँ. उसके बाद मैं इसमें हरी मिर्ची ऐड कर रही हूँ. अब इसमें मैं कटी हुई गाजर ऐड करूँगी. उसके बाद मैं इसमें कैप्सिकम ऐड कर रही हूँ. अब लास्ट में इसमें मैंने कैबेज ऐड किया है. इसको मैंने लंबा लंबा काट लिया था. अब हम इसको मिक्स कर लेंगे. इसको हम तेज़ आंच पे ही पकाएंगे. अब हमारी वेजिटेबल्स थोड़ी कुक हो चुकी हैं. अब हम इसमें ग्रीन चिल्ली सॉस ऐड कर रही हूँ. उसके बाद मैं रेड चिल्ली सॉस ऐड कर रही हूँ. अब इसमें मैंने विनेगर ऐड किया है. अब मैं इसमें थोड़ा सा टमाटो सॉस ऐड कर रही हूँ. अब मैं इसमें सोया सॉस ऐड कर रही हूँ. थोड़ी सी मैंने इसमें ब्लैक पेपर ऐड किया है. अब मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ. अब मैंने इसमें थोड़े से चिल्ली फ्लेक्स ऐड किए. अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से. उसके बाद हमने जो नूडल्स बॉईल करके रखे थे अब मैं उसको इसमें ऐड करूँगी. अब देख सकते हैं ये नूडल्स मैं इसमें ऐड कर रही हूँ. अब हम इसको मिक्स कर लेंगे. नूडल्स को हम तेज आंच पे ही पकाएंगे ताकि वेजिटेबल इसमें ज़्यादा कुक ना हो पाए. अब देख सकते हैं हम इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ. अब हमारे नूडल्स अच्छे से कुक हो चुके हैं. इसको पकाते हुए 5 मिनट हो चुके हैं. हमारे नूडल्स रेडी हो चुके हैं. अब देख सकते हैं हमारे नूडल्स रेडी हैं. अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. हैप्पी ईटिंग.